चंद्रमणि मिश्र जी, मेरे बहुत प्रिय शिष्य, मेरे परिवार, राष्ट्रीय महामंत्री विद्वत परिषद, और जिनके मुझे लगता है विद्वत परिषद के इस जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे परिवार हैं, और इनके आग्रह से जो विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं आदरणीय रूपक शर्मा जी, इनका जो पुत्र है वो मेरा शिष्य है, बहुत योग्य है, श्रेष्ठ है, वो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के आशीर्वाद से, सभी संतों के आशीर्वाद से वह एक श्रेष्ठ बालक है, उत्कृष्ट उसकी इच्छा रहती है। और यहाँ जितने यागिक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जितने इस यज्ञ के सूत्रधार हैं, या वो दानदाता हो, सहयोगी हो, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, जिनका भी योगदान इस यज्ञ के प्रति है, रहेगा और पूर्व में हमारे यज्ञ के लिए रहा है, उन सभी को मैं माँ भगवती काली का और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो सतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, उनका परिवार स्वस्थ रहे, वो समृद्ध रहे और वो आध्यात्मिकता को बहुत समीप से, नजदीक से समझे, जाने, पहचाने। भैया स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, हे पार्थ, तुम्हारे अपने धर्म में यदि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है, किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है और अंततः तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तब भी तुम श्रेयस्कर हो, यशस्वी हो, तब भी तुम प्रतिष्ठा के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो। लेकिन दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो वो स्थाई नहीं है, आप उसको कभी स्थाई न समझना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में तुम्हारा निधन भी हो जाए तब भी तुम श्रेयस्कर हो, बधाई वंदन के पात्र हो। दूसरे धर्म में तुम्हें सब कुछ मिल जाए तब भी तुम भय युक्त हो, भय मुक्त नहीं रहोगे। इसलिए आप सभी जो स्वधर्मी हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और मैं आराध्य देवाधिदेव महादेव से, आप सभी को ज्ञात है कि मेरा श्रावण मास का व्रत अभी 12-15 दिन पूर्व पूरा हुआ। एक महीने महादेव की सेवा में रहते हैं, लगभग 18 से 19 घंटे एक आसन से बैठ करके भगवान शिव की सेवा करते हैं, और एक महीने तक हमें कहीं जाने की इच्छा या सामर्थ्य नहीं रहती है, हमारे दोनों पैर गले हुए हैं पानी से, इसलिए हमने मोजे पहन रखे हैं जिससे कोई उसे छू ना दे, उसमें कुछ लग ना जाए, क्योंकि वो पूरी स्किन निकली हुई है, गल गए पानी से। और ये आज नहीं, लगभग 32 सालों से चल रहा है, 32 सालों से कर रहे हैं, और मुझे लगता है 32 बार हमें इस पृथ्वी पर आना होगा, 32 बार आएंगे और पूरे 60 साल करेंगे, 60 साल के बाद क्षमता नहीं रहेगी। अभी 45 साल के हैं हम, 15 साल अभी हमें और महादेव अवसर देंगे, तो 60 साल के बाद हमारी अवस्था और हमारी जो क्षमता है वो नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें 32 बार और आना पड़ेगा महादेव को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए। और अभी तो 18 घंटे चल रहे हैं, आने वाले समय में महादेव की इच्छा होगी तो 24 घंटे चलेगा। मेरा एक शिष्य यहाँ रखा है, वो ओम पहलवान है, खड़ा हो जाओ। लगभग ये 12 वर्षों से, कितने वर्षों से, 12 वर्ष से हमारे महादेव की सेवा में, एक महीने हमारे निजी सेवा में रहता है। निजी सेवा में रहने का अर्थ है ओपिन पहनना है, लंगोटी पहननी है, चड्डी नहीं पहन सकते हैं आप, पैंट नहीं पहन सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, आश्रम की परिधि से बाहर नहीं जा सकते, और एक दिन में 10,000 लीटर गंगा जल अपने हाथों से महादेव को घड़े से चढ़ाते हैं, तो उस जल को ये सभी पहलवान, देश के जो बड़े बड़े पहलवान हैं, वो जल लेकर के गंगा जी से मंदिर के ऊपर लेकर के आते हैं।
तो इनको पंचतंत्र प्राशन करा करके इनको बंधित किया जाता है, इनको सुरक्षित किया जाता है कि ये एक महीने अस्वस्थ ना हो, ये इनको उपचार की आवश्यकता ना पड़े, ये डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि अगर एक बार भी हमसे दूर चले गए, आश्रम से बाहर चले गए, तो फिर ये हमें छू नहीं सकते, ये हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो आचार्य परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है, और मुझे लगता है उसी का परिणाम स्वरूप है कि महादेव मुझे कम उम्र में, छोटी सी आयु में, अल्प आयु में निरंजनी अखाड़े के आचार्य पद पर भगवान शिव ने मुझे अभिषेक कराया। तो मैं तो सभी ब्राह्मणों का सेवक हूं, ब्राह्मणों से डरता हूं, ब्राह्मणों से भयभीत रहता हूं। श्रीमद् भागवत जी में अनेकानेक प्रमाण हैं, यज्ञ के भी और यजन के भी, कर्म के भी और कर्म कांड के भी। विधि सम्मत जो यज्ञ है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, उसकी प्रशंसा शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा आश्रम बिल्कुल आपके पास में है, यहाँ से कितने किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर। मेरा बहुत छोटा भी है, बहुत बड़ा भी है। आदरणीय महामंत्री जी उस आश्रम में जाते रहते हैं, मैं तो 2017 या 18 में एक बार गया, जा नहीं पाया। मेरा शिष्य अंबुजानंद ब्रह्मचारी वहाँ का मैंत है, वहाँ संभालता है ये, और जिठाला आश्रम में ये रहता है। महादेव बहुत प्राचीन है, वहाँ महादेव की सेवा करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाज में मठ, मंदिर, भवन, व्यवसाय, आय और व्यय आवश्यक है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। धर्म सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर कोई नहीं। न यजतुं न मया ज्ञानो, श्रीमद् भागवत दसम स्कंध, न यजतुं न मया ज्ञान नंतर ही न पुपृच्छतः। भैया उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा, आज अंतिम दिन है कृष्ण का, आज कृष्ण जाना चाह रहे हैं, आज कृष्ण के वाम पैर में भील ने बाण मार रखा है, भगवान कृष्ण को आज स्वधाम गमन करने की इच्छा हो रही है, भगवान कृष्ण के सामने आज दो भगवान के अत्यंत प्रिय खड़े हैं, एक का नाम है उद्धव और एक का नाम है विदुर। विदुर धर्म नीति के प्रणेता हैं, विदुर कौन है, धर्म नीति के प्रणेता हैं, और उद्धव कौन है, ज्ञानियों के प्रणेता हैं। दोनों ने धर्म को ज्ञान दिया है, अगर हम शास्त्र को देखें तो दोनों ने शास्त्र का परिणय स्वीकार किया है, मानो शास्त्र के साथ उन्होंने अपना पाणी ग्रहण किया है। तो आज उद्धव ने पूछा कृष्ण से, श्रेष्ठस्त्वया कारण मापदंड, मापदंड क्या होगा, हम धर्माचार्य किसे कहेंगे, हम धर्म की प्रणति को किसे स्वीकार करने की अनुमोदन की सहमति स्वीकार करेंगे और किसे धर्म का रूप मानेंगे। तो कृष्ण ने कहा, धर्मम कम शरणम गतः। उद्धव जी का पुनः दूसरा वाक्य हुआ, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, धर्म किसके शरण में जाएगा। भैया जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं अभी, श्रीयंत्र और अखंड ज्योति और भगवती, तीनों का आपने दर्शन किया, सारे विद्वान, मैं अभी जब पुष्पार्चन कर रहा था तो बीज मंत्र से मैं भगवती का पुष्पार्चन किया, तो आचार्य हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो श्री सूक्त बोल रहे थे, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम, श्री सूक्त बोल रहे हैं, जो भगवती को बहुत प्रिय है। मुझे लगता है यज्ञ में जितने यहाँ यजमान बैठे हैं, जितने यहाँ यागिक कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हैं, वो सभी श्रेष्ठ हैं, और निहित और विहित दो प्रकार के कर्म हैं। तो जो शास्त्र निहित यज्ञ है उस यज्ञ में भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं, और जो विहित कर्मकांड है वो पाखंड युक्त रहता है, वो धर्म युक्त नहीं रहता है।
उद्धव ने पूछा, भगवान आप जा रहे हो, धर्म किसके शरण में जा रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में जा रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा, श्रीमद्भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, श्रीमद्भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, भागवत जी को मेरा रूप मानना, भागवत जी को मेरा रूप मानना, क्योंकि श्रीमद् भागवता क्योयम्, भागवत जी को मेरा रूप मानना। और जब तुम्हारे मन में ग्लानी हो, ग्लानिर् भवति भारतः, भारत में रहने वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं, जब उनके मन में ग्लानी होती है, किसकी? धर्म को लेकर के, ब्राह्मण की चिंता को लेकर के, गौ ब्राह्मण संत सज्जन और निहित जो भगवान के धर्मानुरागी हैं उनको कष्ट देख करके, तो भगवान कहते हैं मेरा आने का समय निश्चित होने वाला है, मैं अब इस धरा पर आने वाला हूं। तो यज्ञोर्वै ब्राह्मणाः, यज्ञोर्वै विष्णुः, अग्निर्वै ब्राह्मणाः, ऐसे यज्ञ के अपने अपने वाक्य हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ मेरा ही रूप है, यज्ञ मेरा ही रूप है, अग्नि ब्राह्मण का रूप है। अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो वो अग्नि से कम नहीं है, और अग्निर्वै ब्राह्मणाः, अग्नि जैसा कोई तेजस्वी है तो वो ब्राह्मण है, अग्नि जैसा कोई तेजस्वी है तो श्रेष्ठ यजमान है, अग्नि जैसा कोई तेजस्वी है तो वो श्रेष्ठ कर्मकांडी है, और यज्ञोर्वै विष्णुः, भगवान ने कहा यज्ञ मेरा ही रूप है। इदं विष्णोर्विचक्रमे प्रेधानि दधे, मैं कोई विषय नहीं ले रहा हूँ, समय बहुत कम है, मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, मुझे मेरा बहुत लंबा प्रवास है तो मुझे जाना है, और कोई विषय लेकर के बीच में छोड़ना शास्त्र संबद्ध नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए मैं किंचित किंचित किसी किसी वाक्य को लेकर के आपके बीच में रख रहा हूँ। तो यज्ञोर्वै विष्णुः, इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदम्, समूलमस्य पागुं सुरे स्वाहा विष्णवे स्वाहा, इदं विष्णवे इदं नमः। अब विष्णु के मंत्र से विष्णु का ही स्वाहाकार हो रहा है। गणानांत्वा गणपति गुणहवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुणहवामहे, निधीनांत्वा निधिपति गुणहवामहे, वसो मम अहम जानी गर्वधम त्वमजासि गर्वधम गंगणपतये नमः स्वाहा इदं गंगणपतये इदं नमः। भैया, गणेश के मंत्र से गणेश का ही स्वाहा हो रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि जो गणेश का मंत्र है, गणेश के जो मंत्र है, विष्णु के जो मंत्र है, भगवान ने कहा विष्णु यज्ञोर्वै विष्णुः, यज्ञ मेरा ही रूप है। इसलिए अनादिकाल से आज भगवान राम का जन्म का अवसर आ रहा है अयोध्या में, एक बार भूपति मन माही बेगलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत मही पाला चरण लागि कर विनय विशाला। गुरु आशीर्वाद देता है, गुरु वशिष्ठ कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित तो भगत भय हारी। राजा गुरु के शरण में जाता है, राजा दशरथ गुरु के शरण में जाते हैं। वशिष्ठ ने कहा क्या चाहिए? बोले सुत नहीं है, पुत्र नहीं है। आप यहां यह हवन चल रहा होगा, अनेक अनेक मंत्रों से आप हवन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं सभी यजमान भी बिल्कुल विधिवत यजमान की तरह हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो बिल्कुल श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण जैसे उनका स्वरूप है। तो जिस मंत्र से आप हवन कर रहे होंगे वो सारे मंत्र जागृत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटक कठिन कुवंत भाल के। रामचरितमानस की कोई भी चौपाई चौपाई नहीं है, सब महामंत्र है। दुर्गा सप्तशती तो प्रत्यक्ष है,
दुर्गा सती प्रत्यक्ष है, और जो श्रीयंत्र है वो तो भूपुर मंडल है भैया, उसके बारे में तो हम तो श्री के उपासक हैं, भगवती की उपासना करते हैं, उसके बारे में तो वर्षों बोले तो कम है, वर्षों। और उसके जो पूजन क्रम है वो तो अकाट्य है, अगर कोई स्वीकार कर ले, कोई याद कर ले, कोई अभ्यास में ले आए, कोई अपने जीवन, अपने जीवन शैली में उतार ले, अपने कर्म कांड में उतार ले, तो उसे जीवन में किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। तो दुर्गा सप्तशती के जितने बीज मंत्र हैं उन सारे बीज मंत्र प्रत्यक्ष हैं, या वो छोटा बीज मंत्र हो या वो बड़ा बीज मंत्र हो। तो इसलिए यज्ञ के जो विधि हैं, मैं उस अयोध्या के यज्ञ के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान राम का जन्मोत्सव को लेकर के यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ का नाम उत्कृष्ट यज्ञ है। उस यज्ञ को करवाने वाले श्रेष्ठ ऋषि हैं, जैसे ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, कालिदास जी महाराज हैं, हमारी बहन महामंडलेश्वर परम पूज्य शिवांगी नंदगिरी जी महाराज, और यहां श्रेष्ठ सभी ब्राह्मण। तो इनके देखरेख में यज्ञ हो रहा है, इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ है। वहां वशिष्ठ जी के देखरेख में यज्ञ हो रहा है। पूर्णाहुति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पूर्णाहुति के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, क्योंकि इसको राग में गाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मुझे जाना है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भैया श्रृंगी को बुलाया गया, वशिष्ठ ने कहा कि अभ्युदय न तो मनसाम भवामि स्मरामि चित्तयः, मेरे द्वारा यह यज्ञ की पूर्णाहुति संभव नहीं है, इसके लिए श्रेष्ठ सन्यासी को बुलाओ, श्रेष्ठ ऋषि को बुलाओ। तो श्रृंगी को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि आए, और श्रृंगी ऋषि ने पूर्णाहुति की, वेद मंत्र बोला, हरि ओम पूर्णादर्भि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनैव विक्रीणावः इखमूर्जकुम् सतक्रतो देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दधे निहारं च हराचि मे स्वाहा। भैया जब पूर्णाहुति मंत्र बोला गया तो अग्नि प्रगटे अग्नि चरु करलीन है, अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में चरु, चरु को क्या कहते, खीर को, किसको, खीर को, जिस खीर और पूरी के द्वारा हम हवन करते हैं, अंतिम आहुति जो होती है, जिसको हविष्यान्न कहा जाता है, जिसको वेद हविष्यान्न कहता है, जब उस चरु और चरु के द्वारा हम हवन करते हैं तो वो जो चरु बचता है, आचार्य उसको भस्म के बाद उस खीर और पूरी को प्रसाद के रूप में उन उन लोगों को देता है जो याज्ञिक सम्राट होते हैं, जो याज्ञिक अधिकारी होते हैं, जो यज्ञ के अधिकारी होते हैं, सबको नहीं। न तो मनसा स्मरामि वृत्तयः, मैं सावन के बीच में संस्कृत में बोलता रहता हूं कि कर्मकांड वैरीवत है। कर्मकांड क्या है, वैरीवत कर्मकांड आचरितुं मयाज्ञानः। भैया जब शत्रु के समान कर्मकांड में आचरण करेंगे तो भगवान उपस्थित होंगे। शत्रुवत कैसे, लोगों को लग रहा होगा बड़े बड़े सेठ सभी बैठे हैं, उनको लग रहा होगा ये तो आचार्य जी शत्रुवत बात कर रहे हैं। शत्रुवत व्यवहार उस समय जिस समय कर्मकांड कराया जा रहा हो, देश का कोई छोटा या बड़ा आए उसको आचरण के सहित यज्ञशाला में ले करके आओ, आभूषण धारण करा करके लेकर आओ, वस्त्र याज्ञिक वस्त्र धारण करा करके लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि कोई आया कैसे भी आया, वो आहुति कर दिया, कोई भी आया कैसे भी आया वो मेरे आराध्य को छू दिया, कोई भी आया कैसे भी आया वो अखंड ज्योत को स्पर्श कर दिया, कोई भी आया कैसे भी आया वो हमारे प्रसाद को स्वीकार कर लिया, न तो ज्ञान आचरितुम। वेद कहता है न तो ज्ञान आचरितुम, या तो वो आचरण के योग्य नहीं है, या ज्ञान की कमी है, या फिर ज्ञान की कमी है। तो पंचगव्य प्राशनम पूर्व, पंचगव्य
प्रासनम, पहले पांच प्रकार के जो गाय से निर्मित वस्तु हैं, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है, पूरी पृथ्वी की माँ है, पूरे भूत प्राणी मात्र की माँ है। तो गावो विश्वस्य मातरः, उस गाय से जो पंच वस्तु है उसे स्वीकार किया जाए। आज आते हैं, मैंने कहा कि कोई विषय को छेड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम तो केवल आपको यज्ञ के बारे में ही कुछ पल बताएंगे, बाद में हम आपसे क्षमा याचना के साथ पुनः प्रस्थान करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि आकर के पूर्णाहुति करते हैं और अग्निदेव चरु लेकर के स्वर्ण पात्र में प्रकट होते हैं। तो उभय भाग आधे कर पीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर तीना, आधा कौशल्या को दे दिया गया और आधे खीर को आधा कर दिया गया, आधा सुमित्रा मैया को दे दिया गया और आधा माँ के कई को दे दिया गया। अग्नि स्वयं प्रकट हुए। अन्यान्य विषय है, अन्यान्य विषय यज्ञ में भगवान स्वयं आकर के हमें वस्तु प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ का जो वातावरण है, मैं अखंड ज्योत को भी स्पर्श किया, श्री अंत को भी मैंने संक्षिप्त जो भगवती के मूल मंत्र हैं मैंने उससे भगवती का श्री अंत का पुष्पार्चन किया, मैंने भगवती को प्रणाम किया, तो निसंदेह यादिक अनुभूति का एहसास उस जगह हो सकता है जहाँ शास्त्र निहित यज्ञ हो रहा है। और यहाँ तो हमारे सामने एक सन्यासिनी बैठी है, हमारी बहन है, हमारी यहाँ छोटी बहन हमारी महामंडलेश्वर शिवांगी नंद गिरी जी महाराज बैठी हुई हैं, कालिदास जी महाराज हमारे बहुत श्रेष्ठ साधु ये बैठे, हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज परम तेजस्वी हैं, बहुत सरल हैं, ब्रह्मचारी महेश्वर जी महाराज बैठे हुए हैं, हमारे चंद्रमणि मिश्रा जी हमारे बहुत प्रिय हैं, विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बैठे हैं, आप सभी श्रेष्ठ यजमान बैठे हैं, सभी श्रेष्ठ भक्त बैठे। तो राजा बलि यज्ञ कर रहा है, आज सौवां यज्ञ की पूर्णा होती है राजा बलि की, श्रीमद्भागवत का विषय है, इस विषय को पूरा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भगवान नारायण स्वयं आते हैं, वामन बन करके, बावन अंगुल के हैं, परम तेजस्वी नारायण को देख करके, छोटे से ब्राह्मण बालक को, छोटे से ही सन्यासी को देख करके राजा बलि स्वयं को रोक नहीं पाता है, उठ करके स्वागत के लिए जाता है, स्वागतम महाराज, स्वागतम, स्वागत है आपका इस यज्ञ भूमि में, स्वस्तिम भगवान आशीर्वाद देते हैं, स्वस्तिम राजा, कल्याण हो तुम्हारा, स्वस्थानम उपविश्यताम श्रीमंतः, महाराज अपने आसन पर बैठिए, अपने आसन पर आकर के बैठिए आप। महाराज बामन बैठ जाते हैं, राजा बलि आकर के पैर धोता है और पैर धुल करके चरणामृत लेता है और पूछता है किन दीयताम, क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा भूमिम, भूमिम, मुझे भूमि चाहिए, कितना चाहिए आपको। तो बोले मेदनिम, मेदनी का अर्थ भूमि, मेदनिम, किम, कितना चाहिए। बोले मम विक्रमत्रयमिदम, मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पैर से तीन पग भूमि चाहिए, कितना चाहिए, क्या करेंगे तीन पैर, आपका तो 9.5 अंगुल के पैर हैं। बोले मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं बैठ सकता हूं, मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पैर से तीन पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहता है दत्तम, मैंने दिया आपको। बोले नहीं, संकल्प करो, ऐसे नहीं, संकल्प करो। हाथ में जल लेता है, तुतिर्वारं नक्षत्रं विष्णुरेवता योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत हरिओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञ्याः प्रवर्तमानसस्याद्य श्रीब्रह्मणो अनिद्युत्य प्रारदे श्री स्वीतवारा कल्पय वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कल। संकल्प करता है, राजा से
संकल्प कराता है। संकल्पा जायते सिद्धि, संकल्प मात्र से सिद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष के सामने यदि मैंने, श्रेष्ठ पुरुष क्या करता है, संकल्प ही तो करता है, जाओ मैंने भगवान से प्रार्थना किया तुम्हें ये वस्तु मिल जाए, भगवान को वो वस्तु देना पड़ता है। तो भैया श्रेष्ठ पुरुष केवल संकल्प करता है, सज्जन संकल्प से अपनी सिद्धि को पाता है। तो दत्तम मैंने आपको दिया, बोले नहीं संकल्प करो। वहां गुरु कौन है, उनके शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा मां देवी मत दो, क्या करो मत दो। बोले किम, मां देवी मत दो। बोले किम, बोले हरि रयम। ये कोई याचक नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये कोई बटुक ब्राह्मण नहीं है, ये कोई भिक्षुक नहीं है, ये कोई श्रोत्रिय नहीं है, कोई याज्ञिक कर्मकांडी नहीं है, कोई याचनकर्ता नहीं है ये। बोले फिर, बोले हरि रयम स्वयं विष्णु है। तब राजा बलि क्या कहता है, सृष्टि यजमान का विषय तो देखो। बोले हरि रयम, तब राजा बलि कहता है पात्रम किमस्मात् परम, पात्रम किमस्मात् परम, पात्रम किमस्मात् परम, इससे बड़ा सुपात्र पृथ्वी पर और कोई हो नहीं सकता। इन्हें देख करके, दीने देख करके मैं कंगाल भी हो जाऊं तब भी मैं श्रेयस्कर हो जाऊं। तो पात्रम किमस्मात् परम, बलिना भ्यरचितो मखमुखे पाया सनो वामना। भैया आज राजा बलि कहता है पात्रम किमस्मात् परम, बलिना भ्यरचितो मखमुखे है। मख यज्ञ को कहते हैं मख, मख मुखे यज्ञ के मुख के सामने, यज्ञ के मुख के द्वार के सामने अगर मेरे नारायण स्वयं इस यज्ञ में आए तो मेरा सौभाग्य इससे और बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पात्रम किमस्मात् परम, बलिना भ्यर्चितो मखमुखे है पायात् सनो वामनाः। राजा बलि भगवान को देने का संकल्प कर लेता है। विषय लगभग आप सभी सुने होंगे, भागवत का विषय है ये। कोई किसी प्रकार कहता है, कोई किसी प्रकार कहता है। आज राजा बलि ने कहा मैंने आपको दिया, जो आपका मन करे आप तीन पग से मेरी पृथ्वी को नाप सकते हैं। भगवान वामन से विराट हो गए, वामन से विराट हो गए। एक पग से भगवान ने पाताल पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से भगवान ने पाताल लोक को नाप लिया, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बचा। राजा बलि से भगवान ने कहा न याचे तुम न मया दान धरित्रियम तम व्यक्षितः। राजा बलि तुम देने में असमर्थ हो गए, तुम मुझे दे नहीं पाए, इसलिए निसंदेह तुम्हारे घर दरिद्रता आ जाएगी, तुम दरिद्र हो जाओगे। राजा बलि ने कहा नाचे तुम मया दान, असंभव है। भगवान मेरी वस्तु अभी आपने ली है, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, उसको आपने लिया है, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अभी सुरक्षित हूं। मया दानम न पृष्टेभ्यः। राजा बलि झुक जाता है और कहता है मेरे पीठ पे आप पैर रख दीजिए, तीसरा पग पूरा हो जाए। भगवान तीसरा पैर राजा बलि के पीठ पर रखते हैं और भगवान रो पड़ते हैं कि आंगन की छवि नैनन को हरिधाम सुधारस पान की, जगदम्ब विचित्र भयन भय करुणा निधि। इसी कवि की अपनी वाणी है, उसने लिखा कि आज भगवान स्वयं को रोक नहीं पाए, भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। राजा बलि मैं तो तुम्हें ठगने आया था, मैं तुमसे कुछ मांगने आया था, मैं तुम्हें आज चुराने आया था, आज मैं खुद बिक गया, आज मैं खुद ठगा गया, मैं हार गया। राजा बलि क्या चाहिए तुम्हें, इंद्र पद चाहिए, 100 यज्ञ तुम इसलिए कर रहे थे कि तुम्हें इंद्र बनना है, मैं तुम्हें विष्णु बना देता हूं, मैं तुम्हें विष्णु लोक देता हूं। राजा बलि ने कहा न तो ज्ञानम न तो द्रव्य,
न तो श्लोकम न तो अयाचितः, ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना मुझे आपके लोक चाहिए, ना मुझे धन और वैभव चाहिए। फिर बोले आप मिल गए, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। देही सौभाग देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, देही सौभाग्य मारोग्यम देही में परमम पदम। भैया दुर्गा सरस्वती में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जो चाहिए आपको मिल सकता है। यदि आप अच्छे उपासक हैं तो जो चाहिए वो मिल सकता है। राजा बलि ने कहा, भगवान आप बहुत बार कह रहे हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं प्रातः काल जब अपने पाताल लोक अपने घर भवन से निकलूं तो आपका दर्शन हो, जब मैं अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। बोले भगवान जो आपका निर्णय हो। बोले मुझे द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरी इच्छा है। राजा बलि की इच्छा को भगवान ने पूरा किया और भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने। राजा बलि के कहने का तात्पर्य, जो याज्ञिक होगा भगवान उसके रक्षक नहीं, भगवान उसके संरक्षक नहीं, भगवान उसके आराध्य नहीं, भगवान उसके सेवक भी बन सकते हैं। भगवान उसके सेवक भी बन सकते हैं। इसलिए वायु मन प्राण ज्ञानार्थम तत्वदृश्यतः। भैया मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जिस यज्ञ को आपने स्वीकार किया है उस यज्ञ में भगवान भगवती स्वयं विराजमान। और मैं तो इस देश का छोटा सा सन्यासी साक्षी हूँ महादेव का और माँ भगवती काली का, कि अगर मैं अभी मोजे और धोती उतारूं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका शरीर ऐसा हो सकता है और हम 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी 12 दिन हुए हैं, 10-12 दिन और लगेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता 32 साल से कभी नहीं पड़ी। और मेरा 15 किलो के आसपास वजन सावन में कम होता है प्रतिवर्ष, क्योंकि ना सोना है, ना खाना है, ना बोलना है, ना किसी को छूना है, ना कहीं जाना है, केवल गंगा स्नान करना है रात को 12 बजे से पहले और महादेव की सेवा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, देखो मैं तो मिलूंगा नहीं, ये तो निश्चित मानना, मुझे पाने की इच्छा भी मत रखना। वो तो जब तुम स्वयं को खो दोगे, स्वयं को समाप्त कर दोगे, तो मैं एक बार तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा, मैं तुम्हारे स्वप्न में एक बार आऊंगा। लेकिन जन्म जन्म मोहि दीजियो राम चरण अनुराग। तुम्हारे मन से कभी मेरे प्रति जो भक्ति है उसमें तिल मात्र भी कमी ना आए। इसलिए सब कुछ नारायण की है, तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, सब नारायण की है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज को, कालिदास जी महाराज को, मेरे बहन श्रीरांगी नंदगिरी जी महाराज को, पूज्य सभी ब्रह्म सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत अंतःकरण से, मेरे हृदय में जो आराध्य भगवान शिव हैं और आपके हृदय में जो हमारे आराध्य बैठे हैं या आपके आराध्य बैठे हैं, उनको वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपकी मंगल में कामना की कामना भगवान से भगवती से करता हूँ। कुछ सभी संतों को नमन, कुछ सभी संतों को बधाई साधुवाद और अपनी वाणी को विराम। पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।